उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिल्ली से बहराइच जा रही एक बस की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में 14 बस यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 30 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई यात्रियों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के घायलों की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9454417464 जारी किया गया है। इस नंबर पर हादसे से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दरअसल यह हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बबूरिया गांव में सुबह 5:30 बजे हुआ। दिल्ली से बहराइच जा रही टूरिस्ट बस जैसे ही देवा कोतवाली क्षेत्र में किसान पथ पर बबूरिया गांव के पास पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के दौरान रफ्तार इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा जानवरों के अचानक बस के सामने आ जाने के चलते हुआ है। वहीं दुर्घटना की सूचना पाते ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बस और ट्रक को काटकर घायलों को निकाला गया और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 14 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों की शिनाख्त की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। कहाँ से गए जा रहे थे? कहाँ से? दिल्ली से आए थे, कन्नैलगंज जा रहे थे। तो कैसे हो गया, कुछ जान पाए? ये अचानक में ही हुआ, रात में। तो कैसे हुआ, किससे हुआ है? ट्रक से। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं कुछ पता है? ये तो नहीं पता है। आपके साथ के लोग? हमारे साथ के लोग 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। आपका? मेरा नाम शार जी। कहाँ आ रही थी, कहाँ जा रही थी? मैं यहाँ जा रही थी, पृथ्वी ना जी, वो मेरा ससुराल है। मैं 14 साल के बाद जा रही थी। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही तो मुझे नहीं पता ये एक्सीडेंट एकदम हो गया। मतलब बस वाले पिए हुए थे, उनको मना कर रहे थे पिए हुए जी, और इन लोगों ने फिर भी छोड़ सकती है। अच्छा, कितने सवारियाँ होंगी बस के अंदर? सवारी कितने लोग घायल हैं? अरे मैडम आप कुछ पता है? कितने कितने बजे हादसा हुआ ये मालूम? सुबह किस चीज से हुआ ये? कुछ बस उसका इशू था। जनपद बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र के बबरी गांव के पास में एक बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक वोल्वो बस जो दिल्ली से बहराइच जा रही थी उसमें 27 यात्री घायल हुए हैं और 9 यात्रियों की डेथ हो गई है। इस संदर्भ में एक टोल फ्री नंबर जो हमारा कंट्रोल रूम नंबर है ये जारी किया जा रहा है। किसी भी घायल के बारे में जानकारी लेने के लिए या किसी के बारे में जानकारी लेने के लिए 9454417464, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9454417464 ये कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। किसी भी घायल के बारे में और किसी भी मृतक के बारे में या बस के बारे में जानकारी लेने के लिए कंट्रोल रूम से नंबर जारी है। कोई भी सूचना इससे प्राप्त की जा सकती है। क्या नंबर जारी किया गया? घायलों के बारे में और ये देवा थाना क्षेत्र में बबरी गांव के पास में एक बस जो दिल्ली से बहराइच जा रही थी उसमें काफ़ी यात्री सवार थे और एक सामने से अनियंत्रित ट्रक आया, उससे एक्सीडेंट हो गया जिसमें 27 लोग घायल हैं और 9 लोगों की डेथ हो चुकी है और सभी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। यहां से जो सीरियस थे उनको रिफ़र करा के ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया है और तत्काल पुलिस प्रशासन सभी लोग मौके पर मौजूद रह करके गाड़ियों को अलग कराया गया और वहां से जो घायल थे उनको निकाल करके प्राथमिकता के स्तर पर उनका उपचार कराया जा रहा है और जल्दी से जल्दी रिकवर कराने के लिए पूरा मेडिकल टीम, प्रशासन और पुलिस में व्यवस्था लगी हुई है। सभी लोग मौके पर मौजूद रह करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, शुरुआती जानकारी क्या रही, कैसे हादसा हुआ है? अब इसकी जानकारी ये थी कि आमने सामने से कोलाइड हो गया है बस और ट्रक, इसी में ये एक्सीडेंट हुआ है। कुछ यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर नशे में भी था। अब इस बारे में जानकारी की जा रही है। जानवरों की वजह से
आज अर्ली मॉर्निंग पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसान पथ जो पड़ता है हमारे जनपद में, वहाँ पे बहराइच से दिल्ली एक प्राइवेट वोल्वो बस जा रही थी, उसकी भिड़ंत सामने से आ रही एक ट्रक से हो गई, जिसके कारण ये दुखद हादसा हुआ है और इसमें अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 27 लोग घायल हैं, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उन सबको हम लोग ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफ़र कर दिया है, बाकी सबका यहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है।